बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर तरुण सागर भी इतने पहुंचे ने, गलबात करेंगे। तरुण जी फिर आज श्रद्धांजलि देने आप भी पहुंचे, पूरा आप देख रहे हैं भरा हुआ है, सारे लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व उनके लिए दो शब्द आप कह गए। देखो कई ऐसे हस्तियां होती ने जिन्हों वास्ते तुम बहुत कुछ कह सकते हो, पर शक्ति वास्ते तो पुराण छोटे पै जाएंगे। ये कोई हस्ती थोड़ी सन, ये शक्ति सन, माँ शक्ति का स्वरूप असं मनते हैं इन्हों सीगे भी। और इन्हों का जाना एक ऐसा है जिमें जिमें कोई पेड़ हैगा, वो पत्ते भावें जाते रहन, भावें आते रहन, भावें जाते रहन, भावें आते रहन, पेड़ को फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि जिन्ना चिर पेड़ है पत्ते आते रहेंगे, फल आते रहेंगे। पर हुण पेड़ ही नहीं रहा, जड़ ही पुट गई है, तो जी भक्ति धारा जी चरम सीमा तक लैके गए ने माता की भगती, वो इतिहास का अज एंड हो गया है। इन्नी खलकत, इन्नी दुनिया तुसी वेख रहे हो, किसी कोई मतलब नहीं है कि कोई अगे जाएगा। तुसी वेखो दूर दूर तक दुनिया सिर्फ उन्होंने नमन करने वास्ते, श्रद्धांजलि देने वास्ते आ रही है, कि हर जगह झुकना जरूरी नहीं, वैसे ही हर जगह दिखना जरूरी नहीं। श्रद्धांजलि पुष्प चढ़ जाए, जिहड़ा आ गया उन्होंने पता लग गया, सारी दुनिया उन्होंने पिछे जी दीवानी हैगी है, सी नहीं हैगी है। और एक गल मैं और कहना, लोग कहते हैं पापा जी कहते, पापा जी कहते, पापा जी कहते नहीं सी, पापा जी ने कहा है कि माता की भक्ति करो, उदा नाम सिमरो, जय माता दी कहो। और मैं उम्मीद करता सारे जागरण पंथ तो, क्योंकि मैं भी जागरण तो बिलोंग करना, जागरण के हाँ जगराते ही करना, कि पापा जी के नाम का जकारा लगे, उन्होंने नाम दियाँ भेटा होना, दियाँ भेटा तो गाँव से उन्होंने बनिया भेटा लोग गाँव, ये मेरी रिक्वेस्ट है। गल करिए सुरां दे भी बड़े अच्छे जानकार सीगे हो, अजकल दी गायकी ते उन्हां दे सुरां दे विच तुसीं की डिफरेंस है? एक गल मैं कहना जी कि पुन पुन होता है, पाप पाप होता है, करने को आप कुछ भी करें, पर बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। हर प्रकार का उन्होंने गाना गाया, उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि मुझे गाना नहीं आता। रफ़ी साहब के साथ गाया, लता जी के साथ गाया, फिल्मों में इतना गाया, उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि मुझे गाना नहीं आता। ये बड़प्पन उनका, और ऐसा अनूठापन, हर राग में उन्होंने ढाल के गाना है, उसके बावजूद कह देना कि मुझे गाना नहीं आना, ये बड़प्पन उनका। तभी तो पापा जी, ये उस पिता की तरह है कि जिसे बार बार अपने बेटे से हारने में उतना ही मजा आता है। किसी ने पूछा कि आपका बेटा जीत गया, आप हार गए? बोले नहीं, मैं जरूर हार गया, मेरा बेटा जीत गया, लेकिन जब बेटा जीत गया तो पिता की जीत हो गई। तो ऐसी भावना और एक ऐसा उनका नेचर, किसी से भी मिल लेना, ये उन्हें उनकी और भगवान की समानता है। जैसे मंदिर में गुरुद्वारे में कोई भी जा सकता है, वैसे ही उनसे कोई भी कभी भी कहीं भी मिल सकता था। ये उनकी सबके लिए आम होना उनकी खास बात थी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।